हेलो नमस्कार एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय माँ समलई। प्रेमदास चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो ये था थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन। इस दिन होता है हमारा लक्ष्मी पूजा। उड़ीसा से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो पता ही है, क्योंकि उड़ीसा के हर घर में ये पूजा होता है, क्योंकि ये मार्गशीर्ष महीने में होता है। इसके लिए हम इसे मार्गशीरो गुरुवार भी बोलते हैं और मोगशीरो गुरुवार भी बोलते हैं, और इसे हम माणवसा गुरुवार भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना माणव बैठता है। जैसे कि एक बांस की टोकरी में अनाज को भरकर, या एक पीतल का कुछ कटोरी टाइप जो होता है उसमें अनाज को भरकर उस में सुपारी रखा जाता है, उसके बाद उसकी पूजा होती है। और ये बहुत बड़ी यानी विधि बहुत है, मैं आपको थोड़ा सा ही बता रही हूँ। उसके बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी रखा जाता है, लकड़ी और पीतल का कोई भी सिंहासन में आप बिठा सकते हो लक्ष्मी जी को। ये जो पूजा होता है कार्तिक महीने, जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगले महीने पूर्णिमा तक जो गुरुवार आते हैं ना, 4 या 5 गुरुवार, उसी महीने में ये पूजा होती है। तो ये अभी मैं क्या कर रही हूँ, चावल का पेस्ट जो कर रही हूँ, जो कि हम डालते हैं झोटी। झोटी मतलब रंगोली, यानी चावल की रंगोली भी आप बोल सकते हो। तो ये पतला चावल जो होता है ना, उसका पेस्ट बनाकर हम इसका रंगोली डालते हैं, क्योंकि वैसे ही हम देवी को यानी माता जी को वहाँ आवाहन करते हैं, क्योंकि ये उन्हें बहुत ही पसंद है। उसके बाद ये जो पूजा होता है ना, सुबह होता है यानी सूर्य उदय से पहले 4 से 5 बजे के बीच आपको लक्ष्मी जी को बिठा देना है पूजा करकर, और उसी टाइम आपको बाल भोग लगाना है यानी फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह। उसके बाद 3 टाइम भोग लगता है भगवान जी को। बाल भोग लगता है सूर्य यानी आप बिठाने के टाइम, सुबह के टाइम, बीच में आपका अन्न भोग लगता है, फिर आपको लास्ट में जब आप सूर्य अस्त से पहले भगवान को जब आप यानी उठाते हो तभी आपको फिर से बाल भोग लगता है। अभी मैं खीर का प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि खीर मस्ट है। अभी ये माणा, ये जो माणा जो बिठाते हैं वो तो यहाँ मैं इतना कर नहीं सकती, इसलिए मैंने सिर्फ पूजा किया था, झोटी डाला था और थोड़ा सा ही प्रसाद बनाया था। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे झोटी आप देख सकते हो, ये अन्न भोग आप देख सकते हो, यहाँ पर राइस है, दही बैंगन है, और ये मंडा काकरा हमारा उड़िया होता है, हमारा उड़िया में वो सब कुछ बनता है। और साइड में आपने देखा कि माता जी का कैसे यानी सिंहासन में बैठी हुई है। वैसे पूजा होता है, वो क्या होता है, जो मंडा काकरा जो होता है ना, वो वाला मंडा जो आपका होता है वो सूजी का भी हो सकता है और मूंग का भी हो सकता है, मूंग दाल का। तो उसमें हम नारियल का फिलिंग देकर वो आप स्टीम भी कर सकते हो, फ्राई भी कर सकते हो। और जो काकरा आप पूरी की टाइप देखे वो वाला आपका यानी आटे का भी हो सकता है और सूजी का भी हो सकता है, वो है यानी मंडा यानी वो है काकरा। और उसके बाद राइस के साथ आप मिक्स वेज दे सकते हो, यानी बहुत सारे, तो यानी अभी तो ठंडी का महीना है तो बहुत सारे वेजीज तो मिल रहे होंगे। तो सिर्फ आप सबको पता है कि प्याज लहसुन नहीं लगता और घी में सब कुछ बनता है ये, और थोड़ा बहुत यानी क्या ये लौकी और बैंगन तो नहीं देते हम पूजा के टाइम। और सब वेजिटेबल्स आपके हिसाब से आप दे सकते हो। और देखिए मैं अभी झोटी पकाने लग गई यानी झोटी डालने लग गई। तो जो ये झोटी डालते हैं ना, तो हम बाहर से यानी मेन डोर से भगवान को आह्वान करते हैं और भगवान को लाकर सिंहासन में बिठाते हैं। तो मैंने मेन डोर पर डाल दिया था झोटी, उसके बाद मैंने बालकोनी में डालकर फिर भगवान के पास अभी मैं झोटी डाल रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा झोटी डाल रही हूँ, कितनी, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं ड्राइंग में, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो अभी ये 3 टाइम तो भोग क्या मैं नहीं लगा सकती, यानी थोड़ा, इसलिए मैंने एक ही बार में भोग लगा दिया था। तो मैंने पराठे बनाए, उसके बाद मैंने बनाया यानी हलवा, आटे का हलवा, और खीर तो मस्ट है खीर, और थोड़ा सा फ्रूट्स मैंने भोग लगा दिया था। एक ही बार में मैंने डिसाइड किया एक ही बार में मैं भोग लगा दूंगी, क्योंकि जो आप मन से भगवान को जो भी दो ना वो एक्सेप्ट करती ही है। तो घर पे सासू मामा वो लोग यानी माणा बिठा कर, वो पूजा होता है हर उड़िया घर में पूजा होता है। तो अभी तो यहाँ इतना नहीं पता मुझे, इसलिए जितना मैं कर सकूंगी ट्राई किया मैंने कुछ कुछ अपने हिसाब से करने के लिए। तो ये जो मैं झोटी डालने के बाद, अभी थोड़ा कैमरा मुझे नीचे करना था लेकिन वो गलती से यानी कैमरा थोड़ा ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। तो अभी जो है ना, ये जो एक अच्छा ये जो पूजा क्यों होता है, इसका मैं एक जिस्ट आपको दे रही हूँ। ये है कि लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को ना 12 साल दरिद्रता भोग करने के लिए
दरिद्र हो जाओगे आप लोग बोलकर श्राप दिया था, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उनका अपमान किया था। तो ये पूजा उसी पे बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पर झोटी डाल दिया और यहाँ पर मैं अभी पराठा बनाने लग गई। तो हाँ, सो मैं जो बोल रही थी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। तो लक्ष्मी जी एक बार नगर भ्रमण करने निकली थी, तो कहीं पर भी पूजा नहीं हुआ था। तो उन्होंने देखा सिर्फ एक शूद्र के घर उसने पूजा किया था, कमल पुष्प उसने झोटी डाला था। क्यों, कमल पुष्प आपको पता है लक्ष्मी जी का कितना फेवरेट है। तो वहां पर वो गई और उनको बर दे दिया, यानी शूद्र के घर गई और तूने पूजा किया है मेरा बोलकर उनको वहां पर बर दिया। तो ये बात बलराम जी को पता चली। तो बलराम जी ने बोला कि ये शूद्र के घर गई है, आकर फिर वो यानी रसोई करेंगी और हमें भी अपवित्र कर देंगी। तो जगन्नाथ जी को उन्होंने बोला कि आप उन्हें बोलना कि तुम उन्हें बोलना कि वो नहा कर आए और रसोई करे। तो लक्ष्मी जी जब आती है, जगन्नाथ जी सब कुछ बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं, आपने मुझे शूद्र बोला और एक नारी का अपमान किया है आपने, ऐसे बोलती हैं। तो आपने बोला था मेरे पापा को कि आप मेरी 10 गलतियां क्या यानी माफ करेंगी, आपने एक भी गलतियां मेरा माफ नहीं किया। तो उसी हिसाब से लक्ष्मी जी, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आप ऐसा होता है तो आप घर छोड़कर चले जाओ। तो लक्ष्मी जी चले जाती हैं और बोलती हैं 12 साल तक आपको अन्न नहीं मिलेगा जब तक मैं आपको पकाकर खाने को ना दूं। तो वैसा ही होता है, वो जाती है, फिर अपने पापा के घर नहीं जाती। वो बोलती है अगर मैं पापा के घर गई तो फिर जगन्नाथ जी आएंगे, मुझे लेकर चले जाएंगे। तो नारी का इम्पोर्टेंस क्या है कलयुग में, यानी एक पुरुष को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो विश्वकर्मा जी के बोलते हैं कि मेरे लिए कुटीर बनवा दो। विश्वकर्मा जी उनके लिए सोने का महल बनवा देती हैं, देते हैं और वहां पर वो रहती है। उसके बाद दो भाइयों का दारिद्रता शुरू होता है, उन्हें जहां भी जाते हैं वो लोग भगा देते हैं। तो उसके बाद लास्ट को वो लक्ष्मी जी के पास आते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं दासी को, मैं तो शूद्र हूँ, बोलिए उन लोग खाएंगे क्या बोलकर। तो वैसा होता है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हमें आप सब सामान दे दो, हम खुद बनाकर खा लेंगे। तो वो नहीं हो पाता क्योंकि पानी भी गर्म नहीं होता। तो लास्ट को लक्ष्मी जी जो परोसती हैं उसके बाद वो लोग खाते हैं। तो लक्ष्मी जी एक लेती हैं कि लक्ष्मी जी एक शर्त रखती हैं, मैं मंदिर उसी टाइम जाऊंगी कि जब जो मंदिर में लोग आएंगे ना, वो लोग खाना यानी प्रसाद खाने के बाद जो अपना हाथ है धोएंगे नहीं और यानी सर पे पोछेंगे, तभी जाकर मैं मंदिर आऊंगी, ऐसा बोले लक्ष्मी जी। जो उन्होंने यानी जगन्नाथ जी ने बोला अच्छा ठीक है, तो अभी जब भी आप अभी जाओगे ना श्री मंदिर, जगन्नाथ श्री मंदिर जब जाओगे पूरी जगन्नाथ, तो आज भी वो जो अभड़ा होता है ना, जहाँ पर मिलता है भोग मिलता है, तो वहां पर आप यानी किसी के प्लेट से भी आप झूठा वो नहीं होता, आप खा सकते हो, यानी वहां का अन्न ना झूठा नहीं होता। तो यही थी कुछ मान्यता। तो ये था कुछ जिस्ट स्टोरी का। तो मैंने तो आपको बता दिया थोड़ा बहुत, थोड़ा गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा। तो अभी मैं खीर बना रही हूँ, वो हस्बैंड के साथ थोड़ा बात कर रही थी, आपने देखा। तो अभी मैंने खीर बिठा दिया है। उसके बाद अभी क्या है ना, मैं कड़ा प्रसाद ये बना रही हूँ, क्योंकि आटे का हलवा को थोड़ा अच्छे से थोड़ा सौटे करो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा डाल दी चीनी। चीनी इसका ये क्या है ना, ये चीनी थोड़ा कम लगता है, तो आप यानी हमारा इंडिया चीनी के हिसाब से ये थोड़ा कम लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो खीर और कड़ा प्रसाद मैंने बिठा दिया। कड़ा प्रसाद तो हो गया, खीर हमारा अभी चल रहा है, तो खीर को बैठने देते हैं। देखिए मैंने ये झोटी डाल दिया था, ये सब कुछ इतनी अच्छी नहीं हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया है। और ये है लक्ष्मी पुराण, जो हर उड़िया घर में ये गुरुवार को चलता है। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया, तो मैंने पूजा भी खत्म कर दिया, लेट हो गया था तो मैंने ये प्रसाद दिया और पूजा भी मैंने ये खत्म कर दिया। और हम क्या है ना, रसोई में, रसोई के पास यानी वो जो हमारा चूल्हा होता है ना, उसके पास भी लक्ष्मी पात बनाते हैं, तो वो मैंने दे दिया लक्ष्मी जी का। और अभी मैं चाय बनाने लग गई, क्योंकि सुबह चाय ना पियो तो मेरा यानी दिमाग ही नहीं चलता। तो आज पूजा खत्म हुआ तो हमने चाय पिया, तो अभी मैं ये चाय बना रही। तो अभी चाय बिठा कर थोड़ा चाय को 5-10 मिनट उबालो तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए चाय उबलते यानी चाय जब तक उबल रहा था, मैं थोड़ा जो रात का बर्तन था वो वाला थोड़ा यानी सुबह तो टाइम नहीं हुआ
तो रात को, रात का बर्तन सब पोंछ कर अपने तह जगह पर मैं वो रख रही थी, तो चाय थोड़ा उबल जाए, और तब तक यानी हस्बैंड भी उठ गए थे। तो हम दोनों ने अभी यानी बैठ कर थोड़ा चाय का भी एंजॉय किया। सो अभी 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक सूर्य देवता ही नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत थी, यानी ठंड यहाँ पर तो वैसे भी बहुत ही होता है। सो देखिए, अभी हम चाय और ब्रेकफास्ट थोड़ा कर लिए, और थोड़ा ये बात कर रहे हैं हस्बैंड जी के साथ, तो मैं ऐसे बड़बड़ाती रहती हूँ। तो थोड़ा वही हलवा पूरी वो सब हम लोगों ने खाया था, क्योंकि और कुछ मैंने बनाया नहीं, वो हलवा पूरी मतलब हलवा और पराठा जो था वही तो खा लिया था। पूजा हमारी हो गई ख़त्म, अभी हमने चाय और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। सो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर कर यानी थोड़ी देर बैठ कर फिर जाएंगे, थोड़ा लंच प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद थोड़ा घर का काम कर कर आज का दिन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हुई है, यानी यहाँ पर तो इतना, यानी अभी आप जब घर के बाहर रहते हो तो इतना हम पूजा अच्छे से नहीं कर पाते जैसे इंडिया में करते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि जितना मैं कर सकूँ उतना मैंने किया, तो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।